आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कब आऊं, पार्ट नंबर 9। कब आऊं यानी किस दिन आऊं। अब इस पार्ट में, इस कहानी में कौन है और किस दिन, मतलब कब आऊं, कौन किससे कह रहा है, ये सवाल कौन किससे पूछ रहा है, ये हमें पढ़ना होगा। बच्चों, हमारा जो पोर्शन है, हमने 30% रिड्यूस किया है, इसलिए हम बीच के जो पार्ट है वो हमने नहीं लिए है। अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 9। तो आओ यानी किस दिन आओ। तो ये जो सवाल है कौन किससे पूछ रहा है, ये हमें कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। पहले हम कहानी पढ़ते हैं। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगाना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी, इसीलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हो। सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद नहीं है, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊं। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। RS त्रिपाठी, ये RS त्रिपाठी जी ने कहानियां लिखी है। कहानी क्या है, समझ गए बच्चों? कि कहानी इस प्रकार की है, एक अवंती नाम का मनुष्य है, आदमी है, तो उसने रंगाई की दुकान खोली थी। रंगाई में रंगों का काम करने वाला, रंग देना, रंग भरना, रंग करना,
इस प्रकार की रंगाई। तो उसने दुकान खोली थी, हम जो कपड़े पहनते हैं बहुत सारे डिजाइन कलर यानी रंग उसमें होते हैं। तो इन कपड़ों को जो रंग देते हैं, कपड़ों में रंग भरते हैं, ये उसकी दुकान थी। वहां पे कपड़ों पर रंग भरे जाते थे तो सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसकी कारागरी देखकर, कला देखकर सभी लोग जो गांववासी थे उसकी प्रशंसा करते थे। उसने दुकान खोली थी उस गांव में, वहां के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली, मतलब अच्छी चलने लगी। उसका नाम हो गया कि ये दुकान बहुत अच्छी है। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को, सेठ ने साहूकार जो गांव में रहता है, वह बड़ा धनवान व्यक्ति, उस गांव का रिच यानी धनवान व्यक्ति, उस सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। ईर्ष्या, यह शब्द देखिए, ई रो शा, ईर्ष्या, उच्चारण कैसे करना है इसका, ईर्ष्या, ये रो की मात्रा है लेकिन इसका उच्चारण हम ई के बाद करते हैं। रो या रो की मात्रा है लेकिन इसका उच्चारण हम ई के बाद करें, पहले अक्षर के बाद ही करते हैं। ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी जलन। वह सेठ क्या करने लगा, उससे ईर्ष्या करने लगा, मतलब जलता था। उसकी प्रशंसा सुनकर उसे जलन महसूस होने लगी कि ये मुझसे भी बड़ा अच्छा है, इसलिए वह क्या करने लगा, उससे जलने लगा। तो क्या हुआ, एक दिन अवंती को परेशान करने के लिए वह से कपड़े का एक टुकड़ा लेकर दुकान में जा पहुंचा। और एक दिन ऐसा हुआ, वह उससे जलता था, इसके लिए उसे उसकी बुराई करना चाहता था, उसकी जो प्रशंसा है वह कम कर देना चाहता था। इसके लिए क्या किया उसने, एक कपड़ा, कपड़े का छोटा टुकड़ा लेकर वहां गया और वह अवंती से कहने लगा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, यानी जोर से, बुलंद यानी जोर से, जोर से आवाज दी उसे और क्या कहा, यह कपड़ा तो अच्छा, अच्छी तरह से रंग दो, इस कपड़े को अच्छी तरीके से रंग दो, यानी अच्छा से रंग दो, तो मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा हुनर कैसा है। हुनर यानी कला, कारीगरी, तुम्हारी जो योग्यता है, निपुणता है, वो मैं देखना चाहता हूं। सब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो मैं भी क्या करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा काम, जो कौशल है तुम्हारे पास, वो इस योग्य है या नहीं। मैं देखना चाहता हूँ तुम किस तरह से काम करते हो, तुम्हारी तारीफ जो हो रही है वो सचमुच है या झूठी है, किस तरह से तुम काम करते हो, ये मैं देखना चाहता हूँ। इसलिए ये क्या करो, इस कपड़े को, उस कपड़े को अच्छी तरह से रंग दो। इसीलिए मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा हुनर कैसा है, तुम्हारे हाथ में क्या कला है, वह मैं देखना चाहता हूं, परखना चाहता हूं, इसीलिए मैं यहां पे आया हूं। उसने अपने आने का कारण बताया, क्यों आया हूं यहां पे, कि तुम्हारी कला देखने के लिए। सब लोग प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं कि ये बहुत अच्छा रंग देता है कपड़ों में, उसका रंग अच्छा है, वह अच्छी तरीके के उसके पास कपड़े हैं, तो इस तरीके की प्रशंसा करते हैं। तो मैं भी देखना चाहता हूँ, तुम्हारी काफी तारीफ सुनी है, बहुत कुछ तुम्हारे बारे में सुना है। कभी किसके बारे में हम जब सुनते हैं,
मतलब कोई भी व्यक्ति बच्चा, तो उसके बारे में हम जब सुनते हैं तो जरूर उसने अच्छा काम किया होगा, तभी तो हम उस व्यक्ति के बारे में, बच्चे के बारे में बहुत कुछ अच्छी बातें हम सुन लेते हैं। और हम दूसरों को जब बताते हैं तब हम क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं उसकी। इसलिए वह, लेकिन वह सेठ क्या करता था, उसे जलता था। अवंती ने सेठ से पूछा, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हो, क्योंकि हर एक का अलग अलग पसंद, हर एक की अपनी पसंद होती है रंगों के बारे में। किसी को पीला रंग पसंद है, किसी को नारंगी यानी केशरी रंग पसंद है, किसी को हरा, नीला, गुलाबी, यानी बहुत सारे जो रंग है, जो सारे सभी रंग है उसमें से कोई ना कोई रंग क्या होता है, सबका पसंदीदा रंग होता है। तो उसने पूछा, लेकिन मैं इस कपड़े को रंगवा तो लूंगा, लेकिन आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हो, सभी रंग है मेरे पास, आपको कौन सा रंग चाहिए, कौन सा रंग पसंद है। सेठ ने कहा, रंग, रंग यानी कलर, रंग, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद नहीं है। उसने कहा, कौन सा एक कलर मेरा पसंद नहीं है, तो लेकिन क्या कहा, मेरा पसंदीदा कलर एक भी नहीं है, लेकिन मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं। उसने थोड़ा अकड़ दिखाकर कहा कि मेरा पसंदीदा रंग कौन सा भी नहीं, एक भी नहीं है, तो लेकिन मुझे अभी अभी जो कलर बताए, रंग बताए, हरा यानी ग्रीन, पीला यानी येलो, सफेद यानी व्हाइट, लाल यानी रेड, नारंगी यानी ऑरेंज, नीला यानी ब्लू, आसमानी यानी स्काई ब्लू, काला ब्लैक और बैंगनी यानी पर्पल, इन ये रंग मुझे कतई पसंद नहीं, यानी कतई यानी बिल्कुल भी। अब देखो बच्चों, इस सेठ ने तो सारे रंग बता दिए, अब क्या करें, कौन सा रंग बाकी है, है ना, सारे रंग इसने बता दिए कि ये सभी रंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे कि नहीं, मतलब आप समझ गए कि नहीं। अवंती से वो कहने लगा कि मुझे अब कौन से रंग का कपड़ा चाहिए, समझे कि नहीं। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर लूंगा, मैं आपकी पसंद में जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ, तो आप चिंता मत करो, मैं आपके कपड़े को बहुत ही अच्छा रंग दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा यानी इरादा, उसके मन में क्या चल रहा था, मन की बात उसने जान ली थी। अवंती ने सेठ का मंसूबा भागते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। उसके मन में क्या चल रहा है, उसका इरादा क्या है कि इस अवंती को उसकी जो प्रशंसा चल रही है उसे कम करने के लिए, उसकी बुराई किस तरह से हो सकती है, उसका नुकसान कैसे होगा, ये उसके मन में बात चल रही थी। तो उसने ये मंसूबा, इरादा उसका जान लिया था, पहचान लिया था, क्योंकि अवंती बहुत ही होशियार और बुद्धिमान व्यक्ति था, इसलिए सेठ जी की चालाकी, सेठ जी ने भी चालाकी की थी, कैसे, उसने सभी रंगों के नाम बता दिए थे, उसने जो लिस्ट बताई थी उस लिस्ट में सभी कलर थे, तो सभी रंग थे उसमें, तो उसने जो चालाकी की थी उससे भी ज्यादा चालाक अवंती था, तो उसने भी उसी तरीके से इसको जवाब दिया। क्या किया फिर उसने, सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊं,
उसने कपड़ा ले लिया मम्मी ने सेठ जी से और कहा, मैं आपकी पसंद समझ चुका हूँ, जान चुका हूँ, मैं आपको आपका ये कपड़ा जो है, कपड़े का टुकड़ा है, वो अच्छे तरीके से रंग दूंगा, लेकिन क्या करो, ये मुझे दे दो। और उसने वो कपड़ा ले लिया। अब सेठ खुश हो गया कि इतनी कपड़ा तो ले लिया है, लेकिन अब ये क्या करेगा, देखते हैं आगे। अवंति ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। उसने क्या किया, अलमारी में उसे बंद कर दिया, अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। और सेठ से बोला, कपड़ा तो ले लिया। और उसके बाद सेठ ने पूछा जो था कि मैं कब आऊं, उसने कहा किस दिन आऊं, कहा था किस दिन आऊं, तो अवंति ने भी कहा, देखो कितनी होशियारी से उसने ये जवाब दिया है, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार ने गुरुवार, थर्सडे, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक ले लेनी है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंति की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। देखो बच्चों क्या किया उसने, सेठ जी ने जो कहा था उसने कहा, मान लिया उसका कि मैं आपको कपड़ा रख लूंगा, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि मैं किस दिन आऊं, तो अवंति ने भी क्या कहा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आऊं। अब कौन सा दिन बचा, कुछ भी नहीं, सभी तो वार हो चुके, एक हफ्ते में जितने भी वार है वह सब हो चुके। अब क्या हुआ, इसका ये जवाब सुनकर सेठ जी ने सोचा कि यहां से खिसक लेने में भलाई है, खिसकना चुपके से चले जाना। उसने क्या किया, सेठ जी समझ चुका कि यह आदमी बहुत ही होशियार है, बुद्धिमान है, इसके या और ठहर जाऊंगा तो मुझे और चार लोग देखेंगे या और कुछ बुरी बातें मेरे बारे में कहेंगे, इससे अच्छा क्या है मैं यहाँ से चुपके से निकल जाऊं। इसलिए सेठ जी ने क्या किया, वहां से धीरे से चुपके से चले गए। उसने क्या किया, उसे समझ में आया कि मैंने जो चाल चली थी ये मुझ पे ही उल्टी पड़ गई, क्योंकि सेठ जी ने भी सभी रंगों के नाम बता दिए थे, वैसे ही अवंति ने सभी वारों के नाम बता दिए थे और कहा था कि इसमें से क्या करो, ये छोड़कर किसी भी वार को तुम आ जाओ, आ सकते हैं। और ये उत्तर सुनते ही उसकी बुद्धिमानी देखकर सेठ जी ने फिर उसकी दुकान की तरफ नहीं देखा, आने की हिम्मत नहीं की, सांस नहीं हुआ। उसे वह समझ चुका था कि इससे ईर्ष्या करना बुरी बात है, क्योंकि क्या हुआ कि उसने जो चाल चली थी उस पर ही उल्टी पड़ गई थी। इसे कहते हैं जैसे तो वैसा, तो जैसा उसने जो किया था उसके साथ वैसे ही हुआ। तो बच्चों की ये कहानी आपको अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी कहानी है, ये मजेदार कहानी है, ये किस तरीके से उसने सोच समझ के बुद्धिमानी से काम लिया ये हमें पता चलता है। अवंति ने किस प्रकार से होशियारी से सोच समझ कर सेठ जी का इरादा उस पर ही उल्टा दिया। समझ में आया बच्चों, बहुत ये मजेदार कहानी है, ये कहानी आप जरूर पढ़ो। इस वीडियो में हम यहाँ हमारी ये कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे।